लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हम जरूर जो है उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि इन 10 सालों में कहीं कोई चीज़ें छूटी हों या कोई चीज़ों से जो भी जो है जो ये जनादेश प्राप्त हुआ है, मैं यही समझती हूँ कि हमारे मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनका जो भी संकल्प होगा उसके साथ अपर्णा यादव आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी की जीत को कैसे देखती थी? परिवार है आपका और इस बार ऐतिहासिक जीत जो कभी नेताजी के दौर में हुआ करती थी उससे भी सीटें ज्यादा इस बार देखती थी। मैं यही कहूंगी कि नेताजी के जो पद चिन्हों पे चल करके पार्टी जो यहाँ तक है पहुंची है, और जिस तरह से नेताजी का जो स्टाइल था वो अपना करके जो है मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुंचे हैं। और जहाँ पर भी जो पार्टी है, क्योंकि आपने कहा पारिवारिक दृष्टिकोण से, अच्छी बात है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव हमारे साथ हैं। अपर्णा जी, आज संसदीय दल का चुन लिया गया है और शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होनी है, तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या खास होने वाला है? क्योंकि इस बार बीजेपी की अकेले बहुमत की सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार है, तो सबको साथ लेकर भी चलना होगा। सर्वप्रथम देखिए कि बीजेपी का डेफिनेटली अदर स्टेट्स में बहुत ग्राफ बढ़ा है और यह बहुत अच्छी बात है। और जो भी देखिए जनता का जो भी जनादेश है वो एनडीए गवर्नमेंट एज बीजेपी गवर्नमेंट हमें स्वीकार है, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हम जरूर जो है उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि इन 10 सालों में कहीं कोई चीज़ें छूटी हों या कोई चीज़ों से जो भी जो है जो ये जनादेश प्राप्त हुआ है, मैं यही समझती हूँ कि हमारे मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनका जो भी संकल्प होगा उसके साथ अपर्णा यादव तैयार आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी की जीत को कैसे देखती हैं? कि परिवार है आपका और इस बार ऐतिहासिक जीत जो कभी नेताजी के दौर में हुआ करती थी उससे भी सीटें ज्यादा इस बार देखने को मिली हैं। मैं यही कहूंगी कि नेताजी के जो पद चिन्हों पे चल करके पार्टी जो यहाँ तक है पहुँची है, और जिस तरह से नेताजी का जो स्टाइल था वो अपना करके जो है मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ पर भी जो पार्टी है, क्योंकि आपने कहा पारिवारिक दृष्टिकोण से, अच्छी बात है, सबके लिए जो है एक यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सबको जो है अपना प्रदर्शन और अपना आगे बढ़ने का मौका होना चाहिए, और अच्छी बात है जैसा भी उनका प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, इसको नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी की, क्योंकि मैं मेंबर हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों पर चलने वाली व्यक्ति हूँ, मैं यही समझती हूँ कि पार्टी जो है अपनी जो हमारी व्यवस्था है उसको देखे, कार्यकर्ताओं के जो संदेश हैं वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचे, और सभी लोगों का जो है मुझे लगता है सुझाव जो होगा उससे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा, सशक्त प्रदेश का निर्माण। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी और दलित वोटर को खासतौर पर अपने साथ जोड़ा। अपर्णा यादव ओबीसी चेहरा भी हैं और यादव परिवार से भी आती हैं। अब आगामी सियासत में उत्तर प्रदेश की, में बीजेपी की जो सियासत जिसके इर्द गिर्द रहने वाली है, अपर्णा यादव की क्या भूमिका है? मैं तो समझती हूँ, देखिए अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मेरी निष्ठा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे मैं यह छोड़ती हूँ, और मैं समझती हूँ कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे लिए जो भी सोचेगा, समझेगा, जो भी अभी तक उनके आदेश हैं उसका अनुपालन करती आएंगे, आगे भी करूँगी। तो अपर्णा यादव जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रही हैं कि तय आलाकमान को करना है कि उनकी भूमिका क्या होगी। कैमरा संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।